ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संयोजक और वकील जफरयाब जिलानी को भी आज आने वाले फैसले का इंतजार है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो उसे मानेंगे। उनको कोई इस वक्त हमदर्दी नहीं मिल सकती उनकी उम्र की बुनियाद पर। तो ऐसे ही देश की जनता को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए और न्यायालय को चाहिए कि वो कानून और एविडेंस की बुनियाद पर फैसला दे ताकि उन पर जो भरोसा है वो खत्म ना हो। एहतिशाम हमारे सहयोगी मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर मौजूद है। एहतिशाम, अंदर खाने से कोई खबर मिल रही है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि मुरली मनोहर जोशी फिलहाल दिल्ली में अपने आवास पे, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, वो अंदर हैं। अब सवाल ये कि जब कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो उसमें जब फैसला सुनाया जाए तो उस वक्त आरोपियों को वहां मौजूद होना होता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं जिसमें कि उनको इस पे पेशी से छूट मिल सकती है। अब देखना होगा कि इनके वकीलों की तरफ से, जैसा कि आदेश था कोर्ट का कि 10 बजे के बाद वो सारे कागजात वहाँ जमा करें, जिसको जमानती भी वहां पे वो तैयार रखें, तो ये सारी प्रक्रिया हो रही है। अब देखना है कि क्या उनको कोई छूट मिलती है या फिर हो सकता है कि जज ये चाहे कि वो पहले आरोपी को देखें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उसके बाद फैसला सुनाएं। तो ये सारी चीज़ें आपसे थोड़ी देर में साफ हो पाएंगी, लेकिन ये तय है कि ये मुरली मनोहर जोशी वहाँ आज अदालत में फिजिकली पेश नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अब उनको किस तरह की छूट मिलती है या जज इनको देखना चाहते हैं, ये आपसे थोड़ी देर में साफ होगा जब इनके वकील वहाँ पर की अर्जी बिल्कुल थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लगभग 11 बजे का वक्त होगा और सभी आरोपियों को पेश रहने के लिए तो कहा गया है, लेकिन क्या जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है, क्योंकि आज जज फैसला पढ़ेंगे। लगभग 11 बजे का वक्त होगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। विवादित ढांचा फैसले से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com पर।